नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं यहां पर सीएम एक बार वहां मौजूद महिलाओं से मिलकर भावुक हो गए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने जनता से जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सरकार का जनता से किए गए वादों के प्रति ध्यान भी दिलाऊंगा। लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला बढ़ा हूँ और माँ की कृपा से ही लोकसभा के कार्य किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तथा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए बीजेपी की सरकार बने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मां से प्रार्थना है कि हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में लोक कल्याण और विकास के कार्यों में निरंतरता बनी रहे। प्रदेश विकास की गई ऊंचाइयों को छुए, वहीं प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरा रिश्ता भाई और मामा का है। भाई और मामा का रिश्ता स्थायी होता है, पदों से इसका कोई संबंध नहीं होता है। मैं अपने भाइयों बहनों भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि संकल्प पत्र में जो जनता से हमने वादे किए हैं वो पूरे हां। चुनाव के दौरान मैंने भी जनता के बीच जाकर कई संकल्प व्यक्त किए थे, चाहे वो माता बहनों और बेटियों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, भांजे भांजियों के संबंध में हो या विकास के बाकी कार्यों के संबंध में हो। जैसे यही हमने तय किया था कि नर्मदा लोक बनेगा, नई सरकार इन संकल्पों को पूरा करेगी। मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा और जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार का ध्यान भी दिलाऊंगा।